हेलो गाइस, आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं उषा जेनोम एक्सेलर डीएलएक्स ऑटोमेटिक स्विंग मशीन, जो 21 स्टिच फंक्शंस के साथ आती है। और आज हम इसको परचेज़ करके लाए हैं लोकल शॉप से 14,000 में। इसका एमआरपी जो दिया हुआ है वो है 18,500। ये मैन्युफैक्चर्ड है मई 2023 की। तो इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स है यहाँ पे बॉक्स पे लिखा हुआ है, टूल किट के अंदर जो जो चीज़ें हैं वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो इसको अनबॉक्स करते हैं पहले। पहली चीज़ इसके साथ है ये इसका मशीन का कवर है वाइट कलर में। एक एक्सेसरीज़ का कैटलॉग है, ऑप्शनल है ये, मतलब इसके साथ ये सब चीज़ें हैं नहीं, बट दिया हुआ है कि कौन कौन से फुट आते हैं जो आप यूज़ करके और स्टिचिंग में इन्हेंस कर सकते हैं अपनी स्टिचिंग को। जैसे गैदरिंग के लिए फुट अलग है, 1/4 सीम फुट अलग है, ड्रेनिंग डार्निंग फुट अलग है, बाइंडर फुट अलग है, ये सब अलग से परचेज़ करना होता है। ये इसके साथ है नहीं एक्सेसरीज में, इसमें दिया है पीछे भी है। जैसे रफलर है, पाइपिंग फुट है। ये है इंस्ट्रक्शन मैनुअल और इसके साथ ये 2 ईयर्स वारंटी का कार्ड है। इंस्ट्रक्शन बुक में पूरा आपको दिया हुआ है कैसे स्टिचिंग करनी है, क्या क्या चीज़ें हैं, सेटिंग कैसे करनी है, सब चीज़ें इसमें दी हुई है तो सीखने के लिए। अब ये बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं। ये इसका ये फुट पैडल है जिससे ऑपरेट होती है मशीन। इसमें केबल दिया हुआ है जिसको इलेक्ट्रिसिटी से प्लग इन करना है। 60 वॉट का ये है मशीन। तो ये है उषा जेनोम एक्सेलर डीएलएक्स मशीन। ये फंक्शनिंग सेट करने के लिए है। स्टिच का साइज़ क्या होगा उसको सेट करने के लिए 0-4 तक स्टिच साइज़ सेट करने के लिए होता है। ये स्टिचिंग, ये नॉर्मल स्टिचिंग के लिए है। जैसे यहाँ पे मैनुअल दिया हुआ है, ये नॉर्मल स्टिचिंग साइड के लिए बी है, सी ज़िगज़ैग स्टिचिंग है, डी ऐसे आएगा, ई एम्ब्रॉयडरी, ये सब एम्ब्रॉयडरी के फीचर्स हैं। और इसके साथ ये टूल किट है। इसमें इन्होंने जो दिया हुआ है बॉक्स पे लिखा था, ये एम्ब्रॉयडरी के लिए पीको के लिए ये थ्रेड है। 2 फुट्स हैं इसमें, 3 फुट्स हैं। ये बटन होल है, 3 बॉबिन है, स्क्रू ड्राइवर है इसका, और भी 1-2 नट बोल्ट्स इसमें दिए हुए हैं। इसके साथ नीडल्स हैं, 3 पीस का पैक है ये। और बाकी जो फीचर्स है उसको सिखाने के लिए एक इंस्ट्रक्टर आपको घर भेजा जाएगा जो सिखाते हैं, बताएंगे कि क्या फीचर्स है, कैसे इसको ऑपरेट करना होता है। बाकी जो इसके फीचर्स हैं वो इंस्ट्रक्टर जब आएंगे तो उसके साथ हम लोग वीडियो बना के अपडेट कर देंगे कि इसको ऑपरेट कैसे करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।